तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं सैमियो की तरफ से आने वाले इस अल्ट्राजोन वायरलेस गेमिंग कंसोल को, जो कि एक तो काफ़ी बजट प्राइस में अवेलेबल है और साथ ही साथ ये गेमिंग कंसोल आता है डुअल वायरलेस गेम पैड्स के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये गेमिंग कंसोल आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। यहाँ सामने की तरफ इसके मॉडल नेम अल्ट्राजोन, साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स को भी हाईलाइट किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इस पर मिलने वाले इनबॉक्स कॉन्टेंट्स की डिटेल है और यहाँ इस तरफ इसकी MRP के बारे में बताया गया है। तो MRP तो है इसकी 2599 और आप इसे Amazon से परचेज कर सकते हो। और यही तो आप इस वायरलेस गेमिंग कंसोल को खरीदना चाहते हो तो इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा ये गेमिंग कंसोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। फिर आते हैं ये दो वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर्स, उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसको पावर देने के लिए एक एडेप्टर और साथ ही साथ इसे अपने टीवी के साथ में कनेक्ट करने के लिए एक ऑडियो वीडियो केबल। और यदि तो आपके टीवी पर ऑडियो वीडियो पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप अलग से ऑडियो वीडियो टू HDMI अडेप्टर को परचेज कर सकते हो। फिर आता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस गेमिंग कंसोल को किस तरह से कनेक्ट करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलती है एक वारंटी कार्ड। वैसे गेमिंग कंसोल जो है वो आता है 6 महीने की वारंटी के साथ में। तो फ्रेंड्स, हमें यही सभी कुछ कंटेंट जो है इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने वायरलेस गेमिंग कंसोल की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और फिजिकल ओवरव्यू की। तो हमारा ये गेमिंग कंसोल हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के डिज़ाइन में और मेरे पास है इसका ये ब्लैक कलर का वेरियंट। वैसे आपको ये ब्लू कलर वेरियंट में भी मिल जाएगा। सामने सैमियो की ब्रांडिंग है, उसके नीचे हमें देखने को मिलता है एक रीसेट बटन और साथ ही साथ यहाँ पर है इसका ये पावर बटन। कंसोल में इस तरफ है इसके ये IR सेंसर्स। इसके साथ में आने वाले डुअल वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर्स IR के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और यहाँ इस तरफ हमें देखने को मिलती है एक ऑडियो वीडियो स्लॉट और साथ ही साथ इसके एडेप्टर को कनेक्ट करने के लिए एक स्लॉट। वैसे तो हमारा ये कंसोल आता है एक्साइटिंग 362 इनबिल्ट गेम्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर 8-bit कार्टरेज लगाने के लिए भी स्लॉट मिल जाता है। और ये तो आपके पास कोई 8-bit गेमिंग कार्टरेज पड़ी है तो आप इस पर कनेक्ट करके इजीली गेमिंग कर सकते हो। अब कंसोल में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसके मॉडल नेम को जो है वो मेंशन किया गया है और ओवरऑल क्वालिटी भी इस गेमिंग कंसोल की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इनके साथ में आने वाले इन वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर्स की। तो हमारा ये गेमिंग कंसोल आता है इन डुअल वायरलेस गेम पैड्स के साथ में और एक साथ दो प्लेयर्स इस पर गेमिंग कर सकते हैं। कंट्रोलर आप यहां पर देख सकते हो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में। सभी के सभी बटन्स यहां पर प्लास्टिक में है और यहां इस तरफ है सैमियो की ब्रांडिंग। उसके नीचे हमें देखने को मिलती है एक LED नोटिफिकेशन लाइट, जो कि इसके कनेक्टिविटी स्टेटस के बारे में हमें बताती है। गेम पैड में पीछे की तरफ है इसका बैटरी स्लॉट, जिसमें आपको लगानी है 2 AAA साइज बैटरीज। ये गेम पैड हमें इनबिल्ट बैटरी के साथ में नहीं मिलता। ओवरऑल गेम पैड का डिज़ाइन भी आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। हालांकि साइड में हमें यहाँ पर कोई भी रबराइज ग्रिप्स नहीं दी गई हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो ऐसे में गेमिंग करते वक्त इसे होल्ड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं जल्दी से इस गेमिंग कंसोल को आपको अपने टीवी के साथ में जल्दी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। वैसे तो आप इस गेमिंग कंसोल को अपने टीवी के साथ में डायरेक्टली इस ऑडियो वीडियो केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यार यही तो आपकी टीवी पर ऑडियो वीडियो पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ इस तरह के ऑडियो वीडियो टू HDMI एडेप्टर का यूज़ कर सकते हो और इस एडेप्टर का लिंक भी आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इसी HDMI एडेप्टर का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे टीवी पर ऑडियो वीडियो पोर्ट यार अवेलेबल नहीं है। तो इस कंसोल को मैंने अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट भी आ चुकी है। और अब मैं जल्दी से आपको यहाँ से गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। गेम पैड को गेमिंग कंसोल के साथ में पेयर करने के लिए आपको सिंपली होम बटन को प्रेस करना है और नीचे की तरफ लाइट जो है वो स्टेबल हो जाएगी और गेम पैड भी हमारा इंस्टेंटली कंसोल के साथ में पेयर हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो हमें काफी सारी गेम्स जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर टोटल 362 गेम्स अवेलेबल है और कोई भी गेम रिपीट नहीं है। आप देख सकते हो इस लिस्ट में हमें कितनी सारी एक्साइटिंग रेट्रो गेम्स मिलती है। तो चलिए अब हम यहाँ से एक पॉपुलर गेम को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले करेंगे कॉन्ट्रा गेम को। देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का गेम प्ले देखने को मिलता है और 90s के टाइम पर ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम थी और कंसोल की परफॉर्मेंस को भी आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। गेम पैड की सभी कीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हालांकि एक वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी लैग जो है वो देखने को नहीं मिलता। और अभी मैंने इस गेमिंग कंसोल को अपने 55 इंचेस के टीवी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले क्वालिटी भी यार कितनी बढ़िया है। और उसी तरह से ही और भी बहुत सारी पॉपुलर गेम्स अवेलेबल है। और ये तो आपने 90s के टाइम पर गेमिंग की है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन रेट्रो गेम्स में से आपकी फेवरेट गेम कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं इस कंसोल के कुछ बढ़िया फीचर्स की। तो ये गेमिंग बॉक्स आता है डुअल कंट्रोलर्स के साथ में और एक साथ इस पर दो प्लेयर गेमिंग कर सकते हैं। इजी टू यूज प्लग एंड प्ले कंसोल है, आपको सिंपली इसे अपने टीवी के साथ में कनेक्ट करना है और ये रेडी टू यूज है। वैसे तो ये कंसोल आता है एक्साइटिंग 362 इनबिल्ट गेम्स के साथ में और आप इस पर अपनी सभी 8-bit कार्ट्रेजेस को भी लगा सकते हैं। वैसे तो कंपनी क्लेम करती है कि इस पर हमें 3 से 4 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है लेकिन यार हमारी टेस्टिंग में इसके वायरलेस कंट्रोलर ने आराम से 6 मीटर की वायरलेस रेंज के अंदर बढ़िया से काम किया। उसके अलावा ये जो गेमिंग कंसोल है वो दो कलर्स ऑप्शन में अवेलेबल है। एक तो मेरे पास जो अवेलेबल है ये ब्लैक और दूसरा ये ब्लू कलर में भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ ये गेमिंग कंसोल आता है 6 महीने की वारंटी के साथ में। तो फ्रेंड्स यदि तो बजट प्राइस में आप एक बढ़िया क्वालिटी वाला रेट्रो गेमिंग कंसोल को ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली सैमियोगेज अल्ट्राजोन गेमिंग कंसोल की तरफ जा सकते हो क्योंकि यार एक तो इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम है और साथ ही साथ ये आता है इनबिल्ट 362 गेम्स के साथ में और गेम्स जो इस पर अवेलेबल है कोई भी रिपीट नहीं है और सभी के सभी गेम्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करना और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।